गुजरात में चक्रवाती तूफान बिजपरुए को लेकर गुजरात के गृह मंत्री हरेश संघवी ने द्वारका में जिला अधिकारियों और भाजपा नेताओं के साथ बैठक की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री सिग्राई लावरोव और रूसी संघ की सरकार और लोगों को उनके राष्ट्रीय दिवस पर हार्दिक बधाई दी है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट किया। झारखंड सरकार ने कहा कि झारखंड में राज्य में लू के प्रकोप के कारण राज्य के सभी स्कूल 14 जून तक बंद रहेंगे। केरल के तिरुवनंतपुरम में शुगुगुरम में राष्ट्रीय तट क्षेत्र में उठ रही है ऊंची ऊंची लहराएं, जिसके कारण अलर्ट कर दिया गया है। जबलपुर रैली के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव अभियान का आगाज प्रियंका गांधी आज से करेंगी। बाइक टैक्सी संचालकों के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई की जाएगी। G20 देशों के शीर्ष लेखा प्रशिक्षण संस्थानों की 3 दिवसीय बैठक की मेजबानी आज गोवा करेगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के स्वागत में पोस्टर लगाए गए हैं, वे आज यहां एक रैली को संबोधित करेंगी। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कारण तेज हवाएं चल रही हैं और समुन्द्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। खराब मौसम की वजह से उड़ानों पर असर पड़ा है। एयर इंडिया की कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, रनवे को भी बंद कर दिया गया है। ये खबर मुंबई से ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में शादी समारोह से लौट रही बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 10 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए। BBC के अनुसार हंटर बेली में ये रविवार 11 बजे के लगभग की घटना है।